इस वक्त हम स्टेट हज कमेटी में मौजूद हैं। यहाँ के DEO साहब मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं 2021 के लिए जो हज की गाइड लाइन आई है उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये गाइडलाइन अभी आरजी गाइडलाइन है। अभी हतमी गाइडलाइन जो आएगी वो सऊदीया हुकूमत से जो हिदायत और जाब्ते आते हैं उसके मुताबिक वो गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो फ़िलहाल जो हिंदुस्तानी हुकूमत है, हमारी वज़ारत अक़लियती उमूर है, उस जानिब से अप्रूव्ड एक गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके तहत एक तो तमाम प्रोसेस ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के लिए भी उन्होंने ऐप भी दी गई है और हज कमेटी की साइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिर भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो दिल्ली हज कमेटी में यहाँ एक काउंटर कायम किया गया है जो उस हर तरह की मदद करेंगे हाजियों की। और एक बात यह है, इस साल रिज़र्व कैटेगरी कोई नहीं है तो तमाम जनरल कैटेगरी में, इसलिए अभी फ़िलहाल अप्लाई करके छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद जब कुरानदाजी हो जाएगी, उनका कवर नंबर इशू होने के बाद, कुरानदाजी के बाद उसके बाद जिनके नंबर आ जाएगा उन्हीं लोगों को यहाँ फार्म जमा करने हैं। उसमें जो पासपोर्ट है की कॉपी है और अपना मेडिकल है उनका, उनकी बैंक में जमा शुदा रकम है और जितनी भी चीज़ें दूसरी चीज़ें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब उनको जो है यहाँ जमा करना होगा। और उस रकम में इस साल 81,000 रुपये के बजाय तकरीबन 1.5 लाख रुपए जमा करने होंगे उस फॉर्म के साथ उनको। और जो अब इस साल की गाइडलाइन के मुताबिक 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग ही दरख्वास्त दे पाएंगे, उससे बड़ी उम्र के या उससे कम उम्र के लोग यहाँ दरख्वास्त नहीं दे पाएंगे, ये नए रूल की पॉलिसी के मुताबिक है। और जो ग्रुप बनाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी का ग्रुप बन सकता है। इसी तरह से जो बग़ैर महरम की ख्वातीन जाती हैं उनका भी ग्रुप 3 से ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन उनकी उम्र 45 से 65 के दरमियान होगी। कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जद्दा से जो इत्तला मौसूल हुई है हज कमेटी ऑफ इंडिया को, उसके मुताबिक इस साल हज का खर्चा 3,75,000 से लेकर 5,25,000 के दरमियान आना है, यह गाइडलाइन में उन्होंने वाजे कर दिया गया है। सऊदीया जाने से पहले फ्लाइट से 72 घंटे पहले यहाँ दिल्ली में जिस इम्बार्केशन पॉइंट पर होंगे वहाँ पर उनको अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। जिसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएगा उसी को रवानगी की इजाज़त दी जाएगी। सऊदीया पहुँचने के बाद वहाँ उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और क्वारंटाइन के बाद तभी फिर वो बाहर निकल पाएंगे। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। रिहाइश के बारे में यह है, मक्का में रिहाइश इस साल 2 ज़ुमरे में ना होकर 1 ही ज़ुमरे यानी 1 ही कैटेगरी की होंगी और मुमकिन है अजीज़िया में मकानात मिल पाएँ। इस तरह से मदीने के लिए भी गाइडलाइन में दिया गया है कि मुमकिन है कि इस साल 40 नमाज़ें पूरी करने का मौका ना मिल पाए, ये भी कोरोना की वजह से हो रहा है, कुछ कम नमाज़ें पढ़ पाएंगे और इसी तरह से उनकी रवानगी फिर वापस मक्का हो जाएगी। ऐसे अशखास जो मोहलिक अमराज में मुब्तला हैं या हामला खातून हैं या छोटे बच्चे हैं 18 साल से, उनको भी हज की दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं, वो भी एज़ पर गाइडलाइन। इसी तरह से जो NRIs हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी लोग दूसरे मुल्क में क़याम पज़ीर हैं, उनको भी दरख्वास्त देने का इस साल अहल करार नहीं दिया गया है। सिर्फ हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं लोग वही दरख्वास्त दे पाएंगे। बस बाकी तो इतना है, मोटी मोटी बातें आपको हैं और बाकी जो फॉर्मेलिटीज। चलिए आइए देखते हैं कि आपने जो कंप्यूटर्स वगैरह लगाए हैं उसमें आइए देखते हैं कि और पैन कार्ड लाना होगा, आधार कार्ड लाना होगा, ब्लड ग्रुप और आजी का ब्लड ग्रुप और एक उनकी बैंक की डिटेल भी चाहिए थी। डिटेल क्या? बस जहाँ भी उनका अकाउंट है या तो उसके पासबुक ले या चेक ले। इस वक्त हम तुर्कमानगेट हज कमेटी के ऑफिस में मौजूद हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑनलाइन हज फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसी सिलसिले में हम सबसे पहले यहाँ रिसेप्शन पर मौजूद हैं। देखिए, हम यहाँ शुरू में तो हमने यहाँ पर एक काउंटर बनाया है, इसमें हमारे ऑफिसर बैठे हैं जो सैनिटाइजेशन करेंगे, जो भी शख्स आएगा और देखेंगे कि मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, चेक किया जाएगा और सैनिटाइज कर दिए जाएंगे आपको। सर मुझे कर दिया, अब हम ऊपर चलते हैं। उसके बाद हमने ऊपर जो है काउंटर खोले। हाँ, चेयर जो लगाई गई हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मास्क रहती दूरी बना के रखी गई है और उसी हिसाब से हाथी जो है यहाँ पर काम हो जाएंगे।
ये कंप्यूटर काउंटर है क्योंकि 100% क्योंकि ऑनलाइन दो साल से हो रहा है 100%, तो इसलिए कंप्यूटर काउंटर खोल दिए गए हैं। जिन हजरात के फार्म बाहर नहीं भरा जा पाते या कुछ परेशान है वो ये कुछ तो यहाँ भरवा लें आगे। इसमें कोई फीस है या फ्री ऑफ? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो प्रोसेसिंग फीस है 300 रुपये वही जमा करने हैं बैंक में। वो भी अगर किसी को डेबिट कार्ड है तो यहाँ ले आए जमा कर देंगे, नहीं तो बैंक जाके जमा करनी पड़ेगी। सर आप यहाँ फॉर्म भरने आए हैं जी, तो आपकी कितनी उम्र है? 57 चल रही है। 57 जी, ठीक है। तो आपने फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन भर रहे हैं या भरने भरवा रहे हैं? हम यहाँ पे पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करना है और डेट ऑफ बर्थ 65 साल से ऊपर ना हो, और इनके डॉक्यूमेंट जो भी आधार कार्ड फोटो और बैंक की चेक एंट्री चेक। आप जो यहाँ एज ए एम्प्लॉय हैं या खिदमत करने आए हैं? एम्प्लॉय। आपका नाम? मेरा नाम हाजी नसीम उदी है। नसीम भाई, आप किस तरह से हाजियों की खिदमत करते हैं? हाजियों की खिदमत दिल जान से करते हैं हम यहाँ पर, जो भी हमसे हो सकता है। नहीं, आप क्लासें वगैरह? क्लास हम आज की ट्रेनिंग देते हैं, जब ईद के बाद में 15 दिन की क्लास लगाते हैं चूड़ी वालन में। जो हाजी ये ना कि जो हाजी आना चाहें तो वो हमसे मिल जाए, सब मिल जाते हैं हमसे। तो देखिए जो हमारी आज कमेटी हमें वो देती है, लिस्ट बता देती है कि ये लोग जा रहे हैं पुरानी दिल्ली 6 के, वो हम इनसे लेकर रास्ता कायम करके करते हैं। आज कमेटी से फ़ोन करके हम उनको बुला लेते हैं। देखिए जो लोग दिल्ली 6 से खास कर जाते हैं, जगह जगह ट्रेनिंग होती है, ये भाई नसीम मौजूद हैं यहाँ से, जो लिस्ट उनको दे दी जाती है कि आपके एरिया से ये लोग जा रहे हैं और अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आने में उन्हें, वैसे तो यहाँ भी होती है स्टेट हज कमेटी में, लेकिन यहाँ कोई परेशानी है तो अपने पास वहाँ भी जाके इनके भाई नसीम के पास सीखते हैं और ये वहाँ पर जो हर साल अपना कैंप लगाते हैं 15 दिन का। अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने से परेशान है या उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो स्टेट हज कमेटी में जो उनके लिए ये आप बताएं, आप हज पर जा रही हैं, आप फॉर्म भरने यहाँ आई हैं? जी यहीं आए हैं। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप ये फॉर्म भरवा लिया या भर रहे हैं? भर रहे हैं, हस्बैंड तुम्हारे साथ, मतलब आप जा रहे हैं तो इस बार भी फॉर्म भरने आए? जी जी। देखिए ये लोग यहाँ जो आए हैं, आप डिस्टेंस से बैठे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो कितनी ये दूरी बना के इन्होंने रखी हुई है, और इसी तरह जिन लोगों को फॉर्म भरने में जरा सी भी अगर कोई परेशानी है तो ऑनलाइन यहाँ पर ये इन्होंने हज कमेटी वालों ने इंतज़ाम कर रखा है, यहाँ ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, ये एक बहन हमारे साथ और बहन, आप जा रही, आपने फॉर्म भर दिया अपना क्या? नहीं, अब नंबर आएगा। अच्छा, नंबर आएगा तो आप यहाँ से फॉर्म भरवाएंगे? आपने अपना फॉर्म नहीं भरा, कोई आपको परेशानी है इसमें भरने में? कोई परेशानी नहीं, यहाँ सही बैठा है, डिस्टेंसी से बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ जो इसी दिन अब दूसरा दिन ये शुरू हो चुका है काम, और यहाँ पे सब डिस्टेंसी से बैठे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम इनसे जानना चाहते हैं, यहाँ भी ये काउंटर लगा हुआ इस तरफ देखते हैं। जो हाजी फॉर्म भर कर आते हैं हमारे वहाँ से, उसके बाद यहाँ आकर उसका जो नंबर है हमारा बार कोड का, वो यहाँ इंदराज कराते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि आप मुतमईन हैं इंतज़ाम से? अगर मुतमईन हैं और ठीक इंतज़ाम लगा है आपको, तो वो अपना यहाँ साइन कर देते हैं कि हाँ जी हमें ठीक लगा है, ये हमारा फीडबैक फॉर्म है इसमें। अच्छा मोहसिन साहब, एक बात अब ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से यहाँ पे 72 घंटे पहले जो कोविड का वो टेस्ट होगा और उसके बाद ही वो लोग जा पाएंगे, इसके बाद जब वह सऊदीया पहुँचेंगे तो वहाँ उन हाजियों के साथ वहाँ उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा या उनको डायरेक्ट भेजा जाएगा? देखिए दिल्ली में ही यहाँ 72 घंटे पहले उनका कोविड टेस्ट होगा और जो लोग क्लियर हो जाएंगे वही यहाँ से रवानगी कर पाएंगे। सऊदीया में पहुँचने के बाद उनको वहाँ 2 या 3 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद ही वो आगे फर्दर अपनी कार्रवाई कर पाएंगे।
उसके अलावा वहाँ उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी नहायत ज़रूरी होगी। और जो नए रूल आएंगे, अभी आए नहीं है सऊदी गवर्नमेंट से, इसके अलावा अभी हमारा कोटा भी नहीं आया है। कोटा हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एग्रीमेंट होगा उसके मुताबिक कोटा लिया जाएगा। जिस तरह से 40 से 45 दिन वहाँ रहता था पहले हाजी, अब यहाँ सुना है कि 30 से 35 दिन, वो तकरीबन एक महीने का सफर हाजी का होगा। अब अगर 3 दिन वो वहाँ रुक जाता है तो ऐसे में उसके अगर 30 दिन हो तो 27 दिन रह जाएंगे, तो अपनी पूरी तरह से वो किस तरह से नमाजें अदा करेगा, किस तरह से जाएगा, ये तो मजबूरी है। और इसको करने के लिए जो है ये तो पाबंदी करनी पड़ेगी कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इससे बचना नामुमकिन है। इस बार जो है तकरीबन हाजी को कितना खर्च करना पड़ेगा? इस साल जो खर्च आएगा वो 4 लाख से 5 लाख के दरमियान खर्चा उम्मीद है आने की, क्योंकि हालात ऐसे हैं। अच्छा, जो पिछले साल हाजी आ गए थे उनके पैसे भी वापस हुए, तो उसमें आप बताएंगे कि उनको भी कुछ लिया जाएगा या उनके साथ रियायत या नए सिरे से होगा? अभी ये पॉलिसी के तहत ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं सिरे से होगा, नए सिरे से होगा, क्योंकि एज का फैक्टर है और सब कुछ नए सिरे से, नई गाइडलाइन है, तो उसी हिसाब से नए फॉर्म लिए जाएंगे। तो ठीक है, आपने देखा यहाँ मोहसिन साहब ने हमको किस तरह से बताया कि जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आदमी को पहले टेस्ट किया जाता है, स्टेट हज कमेटी ने जो ये जिन लोगों को परेशानी होती है अपने फार्म भरने में, वो यहाँ से भरवा सकते हैं ऑनलाइन, और अगर वो चाहें तो कार्ड से डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं, नहीं तो खुद बैंक में जमा करा सकते हैं। उसके बाद वो आखिर में यहाँ पर आकर जो है उनको कैसा यहाँ का माहौल लगा, उसके बाद ये साइन करते हैं। यहाँ ये बैठे हमारे जो दानिश भाई जो हैं, यहाँ जो लोग बैठते हैं देख सकते हैं कि आप, ये आखिर में इनको जो फीडबैक देकर जाते हैं कि इनके साथ यहाँ पर जो है किस तरह से है, और ये आप बराबर देख सकते हैं। इस सिलसिले में आप साहब ने ये भी बताया हमें कि यहाँ पर जो पहले 40 से 45 दिन का हज होता था, इस बार जो तकरीबन एक महीने का हो सकता है, एक महीने का जब होगा तो यहाँ से जो पास होंगे कोविड टेस्ट के 72 घंटे पहले, वहाँ सऊदीया जाने के बाद उन्हें 3 दिन जो है कोविड में रहना पड़ेगा, अब 27 दिन का, लेकिन मजबूरी ऐसी है इसके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इसको दे, और वहाँ जो है डिस्टेंस ही का इस्तेमाल होगा, और 1 by 1 एक ग्रुप आएगा एक ग्रुप जाएगा, इस तरह से बता रहे हैं। लेकिन हज तो इस बार होगा, और इस बार हज जो है थोड़ा बाहर भी पड़ेगा, महंगा भी होगा हर चीज़, लेकिन जाने वाले तो जाएंगे, जिसको लब्बैक हुई जिसको बुलाया है वो कहें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मैं दिल्ली एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।